जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम बहुत सारे संसदीय प्रस्ताव पढ़ेंगे। संसदीय प्रस्तावों से क्वेश्चन सिविल सर्विस में, यूपी पीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में, एसआई वगैरह में, सब लेवल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप पूरी वीडियो देखें और समझें इन प्रस्तावों को। जितने भी इंपॉर्टेंट संसदीय प्रस्ताव हैं मैंने यहाँ पर सब ले लिए हैं, तो आपसे ये बचेंगे नहीं। सबसे पहली बात, ये जितने भी प्रस्ताव हैं ये कहाँ पर लाए जाते हैं? ठीक है, तो ये लाए जाते हैं भारतीय संसद में। भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को हम क्या कहते हैं? संसदीय प्रस्ताव कहते हैं। अब हमारी संसद क्या है? तो एक संस्था जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। संसद के द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। ठीक है, अब संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। ये है ना, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहला जो प्रस्ताव है हमारा, ये प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। संसद की कार्रवाई से रिलेटेड ये प्रस्ताव हैं सब। सबसे पहला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को हम काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम रोको प्रस्ताव। ये संसद में संसद की कार्यवाही रोकने के लिए लाया जाता है, काम रोका जाता है ना? काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, या स्थगन प्रस्ताव इसे कहते हैं। देखिए, इस प्रस्ताव को संसद में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। 50 सदस्य अगर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को ये मतलब प्रस्ताव सौंपेंगे, तो अध्यक्ष जो है वो काम रोककर इस जो लोग ये कहना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली ये जो प्रस्ताव है, इसकी वजह से किसी बड़ी घटना की ओर संसद का ध्यान जो है वो उधर किया जाता है कि साहब इस काम रोककर जरा इस दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में बाढ़ आ जाती है, या भूस्खलन हो जाता है, या किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, या कोई देश हमला कर देता है, कहीं बड़ी आतंकवादी घटना हो जाती है, तो संसद का ध्यान उस घटना पर करने के लिए क्या करते हैं? एक ये काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या है, उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। ठीक है, कि साहब ये आतंकवादी घटना हुई है तो इस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, देश हित में क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। ये प्रस्ताव लाया जाता है 12 बजे के बाद, यानी कि 11 से 12 तो हमारा प्रश्नकाल रहता है। तो जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी समय लाया जा सकता है। और इस पर जो चर्चा है वो 4 बजे से शुरू होती है, और जब तक चर्चा खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो चर्चा चलती ही रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, याद रखना। तो काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव इसे कहते हैं। ये संसद में लाया जाता है, संसद का कार्य रोक कर किसी विशेष महत्व तुरंत जो घटना है उसकी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, इसी को कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। सेकंड जो हमारा प्रस्ताव है, इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है ये किसी मंत्री के लिए लाया जाता है। संसद का कोई सदस्य, क्या करता है? किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति लेकर संसद का, मान लीजिए मैं संसद का सदस्य हूँ और मैं किसी मंत्री जी से कहता हूँ कि साहब मंत्री जी जरा देख लीजिए उस ओर, ये सार्वजनिक महत्व का बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई भी मुद्दा मैं ले सकता हूँ, चाहे शिक्षा हो, चाहे वर्तमान में अभी महामारी चल रही है, सब महामारी की तरफ देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा आपसे आग्रह है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसके द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है, किसी मंत्री का। और यह है कटौती प्रस्ताव। देखिए, कटौती प्रस्ताव जो है ये बजट से संबंधित है। ये प्रस्ताव जो है हमारा ये बजट से संबंधित है। एक्चुअली क्या है, जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो बजट में सरकार अपना आने वाले वर्ष में जो खर्चा वो करने वाली है उसके लिए मांग रखती है संसद के सामने। मांग कहाँ रखी जाती है? संसद के सामने। संसद के सामने क्यों रखी जाती है भाई साहब? क्योंकि संसद में जनता बैठती है, क्योंकि संसद में जो सांसद हैं उन्हें चुनता कौन है? जनता। तो सरकार मांग रखती है, सरकार पैसा खर्च करना चाहती है कि साहब मैं अगले वर्ष
कोई रोड प्रोजेक्ट लेके आएंगे या ये योजना शुरू करेंगे, कोई नई योजना शुरू करेंगे, जो कुछ भी है सरकार पैसा खर्च करने के लिए मांगे रखती है कि हम अगले वर्ष इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो उसकी परमिशन तो होनी चाहिए सरकार के पास भाई। परमिशन कौन देगा? जनता। अब जनता तो आके देगी नहीं, तो जनता सांसदों को चुनती है और सांसदों से परमिशन ली जाती है, इन्हीं को कहते हैं मांगे। अब मांग में कटौती करने के लिए, यानी कि अगर संसद के सदस्यों को लगता है कि भाई साहब यहाँ पर ये ज़्यादा पैसे मांग रही है सरकार, ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है, तो मांग में कटौती करने के लिए, समझ में आ रहा है ना आपके, उस पैसे में कटौती करने के लिए लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। ये बजट से संबंधित प्रस्ताव है, आपसे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बजट पेश होने के बाद ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, मांगों में कटौती करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, सरकार मान लेती है नहीं मान लेती है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अगला है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है किसी मंत्री विशेष या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। या तो किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। एक्चुअली ये लाया जाता है निंदा करने के लिए। निंदा का मतलब आप समझते हैं, तारीफ तो है नहीं यहाँ। किसी मंत्री ने क्या किया, कोई बड़ा घोटाला कर लिया या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो उसकी निंदा की जाती है संसद में, उसकी आलोचना की जाती है संसद में। ऐसे में क्या है, उस मंत्री को त्यागपत्र, अगर ये निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है संसद से, याद रखना, अगर निंदा प्रस्ताव संसद से पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर निंदा प्रस्ताव संसद से पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी पूरी संसद को त्यागपत्र देना होता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता तो भी पूरी सरकार को, माफ़ कीजिए संसद नहीं सरकार, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो भी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। बजट पास नहीं हो पाता तो भी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो सरकार चलाना आसान काम नहीं है। खैर हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है, मंत्री ने कोई घोटाला कर लिया, बड़ा घोटाला कर लिया है ना, पैसा मार दिया जनता का, हजम कर गए, जैसे लालू प्रसाद यादव जी पूरा खा गए थे है ना, बिहार में गाय भैंसों के लिए चारे के लिए योजना चली थी और पूरा चारा लालू जी खा गए, खैर मतलब सॉरी लालू जी नहीं, घोटाला कर लिया उन्होंने। अब देखिए मंत्री परिषद के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ ये लाया जाता है, ऐसे में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इस प्रस्ताव की एक खास बात है, ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, ठीक है। अगला देखिए अविश्वास प्रस्ताव। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, ये कह सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये अविश्वास प्रस्ताव है। अब विश्वास का मतलब क्या है? अगर संसद को लगता है, संसद के सदस्यों को लगता है, किसी भी सदस्य को लगता है कि साहब सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है, सरकार को लोकसभा का, ये लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं है। अब लोकसभा का विश्वास प्राप्त होने का क्या मतलब है? तो मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा में 545 मेंबर हैं, इनका कम से कम आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए सरकार चलाने के लिए, यानी कि 274 लोग चाहिए सरकार चलाने के लिए। अब मान लो अभी वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास मान लीजिए 305 मान लीजिए सांसद हैं उसके पास, और चाहिए कितने? 274 चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो यहाँ पर उसके पास तो आंकड़ा पूरा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसके 35-40 विधायक खरीद लिए। तो यहाँ पर 40 विधायक खरीद लिए तो यहाँ पर 265 लोग रह गए। अब मान लीजिए किसी को लगा कि भाई साहब सरकार जो है ये हवा में चल रही है, सरकार के पास विश्वास नहीं है लोकसभा का, लोकसभा का विश्वास का मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है, 274 सांसद सरकार के साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि विपक्ष, ये लेके कौन आता है अविश्वास प्रस्ताव? विपक्ष लेके आता है, इतना याद रखना, सत्ता पक्ष नहीं लेके आता। एक और खास बात है इसकी, विपक्ष लेके आता है इस प्रस्ताव को, एक और खास बात है कि ये प्रस्ताव हमारे संविधान में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है, इस प्रस्ताव का संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ये क्या है कि लोकसभा का एक नियम है अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा का प्रत्येक सदन को नियम बनाने का अनुमति दी गई है अनुच्छेद 118 के तहत, उसमें लोकसभा ने नियम बनाया ये अविश्वास प्रस्ताव, संविधान में इसका कहीं पर वर्णन नहीं है। तो होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के खिलाफ, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद से, सदन से, लोकसभा से,
तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। त्यागपत्र कैसे देते हैं ये तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति को देते हैं। तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद से, तो मतलब लोकसभा से। तो अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था 1963 में। 1963 में उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था यह प्रस्ताव। और ये लाया गया था आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में। अब तक अविश्वास प्रस्ताव जो है ये अब तक कुल 27 बार लाया जा चुका है, जिनमें से 26 बार ये असफल हुआ है, मतलब पास नहीं हो सका है। लास्ट टाइम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सन 2008 में। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ लाया गया था ये, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, और तब भी ये पास नहीं हो पाया था। 19 वोटों से ये क्या हो गया था, फेल कर गया था, पास नहीं हो पाया था अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 1963 में, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आचार्य जे बी कृपलानी और उनका पूरा खेमा लेके आया था। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाने के लिए, लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर की आवश्यकता होती है, कम से कम 50 मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाके ये प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो 1990 में हटाए गए थे, 1990 में, और उनका नाम है बीपी सिंह। बीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह जी को पहली बार 1990 में इस प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था, वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये लाया जाता है संसद सरकार के खिलाफ, सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है, इसके लिए इसको सिद्ध करने के लिए लेके कौन आता है, विपक्ष। कहाँ लाया जाता है, केवल लोकसभा में। अगर 274 लोग अगर सरकार के साथ नहीं है तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसके बारे में आपको जाननी है। और लास्ट टाइम इससे दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे सिविल सर्विस में, UPPCS में। क्वेश्चन पहला ये आया था, पहला पॉइंट दे रखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। तो अभी भी मैंने बताया इसका वर्णन संविधान में नहीं है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा था इसे संसद से, इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही था। अविश्वास प्रस्ताव से UPPCS 2020 का ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक है विश्वास प्रस्ताव। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है विपक्ष, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लेके आता है सत्ता पक्ष, या फिर कह सकते हैं सरकार लेके आती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि साहब सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं सरकार से कि भाई साहब आप एक काम करिए, जरा विश्वास सिद्ध कर दीजिए। विश्वास मतलब वही, आप 274 लोग आपके साथ हैं या नहीं लोकसभा में, ये सिद्ध कर दीजिए आप। विश्वास मतलब बहुमत कह सकते हो आप, तो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है सरकार चलाने के लिए। 274 कम से कम लोग चाहिए 545 में से। अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाया मतलब सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है, सरकार विश्वास प्राप्त नहीं कर पाई है, सिद्ध नहीं कर पाई है, तो पूरी सरकार को यहां पर भी त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पूरी सरकार त्यागपत्र देगी, पूरी सत्ता को त्यागपत्र देना होता है, और उसके बाद सरकार गिर जाती है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव है ये सबसे पहले लाया गया था 1979 में, विश्वास प्रस्ताव, और इसे लेके कौन आया था, लेके आए थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो लास्ट हमारा प्रस्ताव है वो है ध्यान धन्यवाद प्रस्ताव। एक्चुअली ये प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए लाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, आपको बताया कि संसद की कार्यवाही का जो पहला दिन होता है वर्ष का, तब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, और जब नई लोकसभा गठित होती है तब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति के संबोधन के बाद राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो धन्यवाद प्रस्ताव लेके आता है। और याद रखना, अगर लोकसभा, केवल लोकसभा की बात होती है यहाँ पर, राज्यसभा की नहीं, अगर लोकसभा से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया
धन्यवाद प्रस्ताव, तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो कितने मुद्दे हैं यहाँ पर पूरी सरकार को त्यागपत्र देना हो रहा है? देखो यहाँ निंदा प्रस्ताव में भी, निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, और धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, कोई धन विधेयक अगर सदन से पास नहीं हो पाता है तो भी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, और अगर बजट पास नहीं हो पाया तो भी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो खैर बहुत सारे मुद्दे हैं जहां बेचारी सरकार को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन फिर भी सरकारें चलती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।